अरे ये देखिए बस हम लोग तुरंत पहुंच गए मंदिर के पास। ये रहा हमारे मतलब गांव का काली मंदिर और यहीं पे पूजा होता है। अभी सीटी और कटहल का ही सीजन चल रहा है सब्जी में, तो बहुत महंगा मिलता है। तो देख लीजिए यहाँ गांव घर में ये सब मिल जाता है। और फुआ बना रही है दाल, पापा बताए कि गाड़ी में जैसे बनाते थे वैसे ही करके बना रहे ना। ठीक है दोस्तों, आज दादी को पोहा बना के खिलाते हैं। फुआ भी खाना बना रही है, फुआ जब बना लेगी उसके बाद फिर हम बनाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और हमारा ब्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है। और दोस्तों कल जो पापा दवाई खाए डोलो तो उससे अभी सही लग रहा है, पापा का तबीयत मतलब थोड़ा ठीक हो गया। जो रात में अचानक ठंडा लगने लग रहा था वो तो कल रात में नहीं लगा रहा, अच्छे से पापा सोए भी है। और जो पीठ का दर्द था वो भी अभी चला गया है। तो आज भी अभी तो घर में ही यार थोड़ा बादल मौसम किया हुआ, लगता है बारिश भी हो सकता है। दोस्तों अभी छत पर आ चुके हैं और ये रहे पापा छत पर है। 3 दिन से लुंगी पहन के अभी रह रहे सिर्फ। आप कैसा तबीयत? ठीक है, घर पे है तो गमछा पहन के रहते हैं, बाहर कहाँ रहते, गाड़ी उड़ी में रहते कहाँ फुल पैंटे पहन रहना पड़ता था। और घर पे है तो गमछे ही पहन के रहते हैं, बहुत आराम मिलता है इससे। दोस्तों ये पहली बार ऐसा है जो हम जामतड़ा में एकदम माइंड फ्री होकर के है। आप लोग भी देख रहे हैं कि काम चल रहा था उधर भी और यहाँ माँ से मिलने आए हम, यहाँ भी हल्का पूरा काम हो ही रहा है। तो और सबसे बड़ी बात कि यहाँ का नवरात्रि जो होता है मंदिर में यहाँ होता है 9 दिन, तो आज या कल से स्टार्ट है। तो वो भी देखना था, बचपन में ही देखे थे, कभी टाइम नहीं मिलता था। माँ लोग या और भी दोस्त यार लोग बोलता ही था कि कभी आया करो, काफ़ी दिन हो गया, यहाँ नवरात्रि देखो पहले से बहुत चेंज हो गया है, मेला जैसा लगता है। ठीक है, लेकिन इस बार हम जो आए हैं ना, मतलब इससे पहले होता था ना कि गाड़ी खड़ा करके आते थे टाटा में तो 1-2 दिन के लिए, तो बहुत मतलब मन में धुकधुकी लगा रहता था कि कब जाना है, कहाँ गाड़ी कितना बजे पकड़ना है, खाली करना है, तो ये सब टेंशन था। लेकिन वही बताते हैं ना कि जब कहीं जाओ तो माइंड फ्री होकर जाना चाहिए। तो आए हुए अभी थोड़ा माइंड फ्री है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है अभी। और गाँव में सब लोगों से मिल भी पा रहे हैं और बहुत लोग मिलने भी आ रहे हैं हमसे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम गाँव में रहेंगे और ज़्यादा गाड़ी जहाँ तक पकड़ने का सवाल है तो अभी रामगढ़ जाएँगे रामनवमी के बाद, फिर अपना गाड़ी जो है, ऐसे तो हम बोल ही रहे हैं कि रूट चेंज करना है अपना, तो देखते हैं फिर रामगढ़ जाने के बाद जैसा होता है फिर आप लोगों को पता चल ही जाएगा। दोस्तों पहले जब यहाँ पे हम लोग गांव में आते थे तो यहाँ पे जो ये होल रूम है ये जब नहीं बना था तो यहाँ पे फुआ बहुत खेती करती थी, ये सब पहले कुछ नहीं था। जब यहाँ लास्ट हम लोग का छत यहाँ तक था उस टाइम और इधर कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे फुआ पूरा खेती करती थी। तो अभी तो उतना दोस्तों यहाँ नहीं हो रहा खेती, लेकिन फिर भी इधर देखिए लगा हुआ है सिटी का पेड़। अभी सिटी और कटहल का ही सीजन चल रहा है सब्जी में, तो बहुत महंगा मिलता है। तो देख लीजिए यहाँ गाँव घर में ये सब मिल जाता है, ये सब गांव घर में मतलब इजी मिल जाता है किसी के। ये सब बगल मेरा हमारा रिश्तेदार लोग ही है, सब पूरा गोतिया ही पूरा भरा हुआ है, हम लोग का जात का ही पूरा भरा हुआ है। इधर देख सकते हैं अमरूद भी दिखाई दे रहा है, छुट्टी भी दिखाई दे रहा है, उधर आम पेड़ कटहल पेड़ भी बहुत है इधर, मतलब ये सब गाँव घर में ये सब देखने को मिल जाता है। शहर में ये सब नहीं मिलता है, खरीदना पड़ता है। रामगढ़ में हम खुद बताते हैं कि रामगढ़ में छुट्टी खरीदना पड़ता है, कटहल खरीदना पड़ता है। यहाँ पर तो जिसके जाते हैं कटहल मिल जाता है, छुट्टी मिल जाता है, ऐसे ही मिल जाता है हम लोग को, ऐसे हमारा गोतिया लोग ही सब है यहाँ पर। दोस्तों अभी नीचे आ चुके हैं और ये देखिए दादी यहाँ बैठी है नहाकर। दादी कब से रामनवमी स्टार्ट हो रहा है? होगा बुध से, कल से मतलब ना, आज मंगलवार कल से स्टार्ट होगा। तो आप जाइएगा ना पूजा करने? हाँ रे जाएंगे, नहीं गांव में रामनवमी है, पूजा है, माँ है तो दुनिया जगत है, माए के लिए तो सब कुछ है, हम लोग क्या है कुछ नहीं। दोस्तों मतलब यहाँ गांव में रामनवमी बहुत अच्छे से होता है। अभी तो हम लोग यहाँ पे है, आपको सब दिखाएंगे कि और यहाँ पे खिचड़ी भी जो 9 दिन है, 9 के 9 दिन मतलब यहाँ खिचड़ी बढ़ता है, तो आपको भी दिखाएंगे, बहुत मतलब अच्छे से यहाँ पे होता है। तो आज शाम में चलिएगा, आज हाँ, कुछ होगा? हाँ रे जाएंगे। दोस्तों अभी दोपहर के 1 बज गया है और हमारा खाना खाने का टाइम हो गया, तो चले खाना खाने। आज हमको चावल मिला खाने के लिए, इसलिए कि थोड़ा तबीयत ठीक है अभी, तो माँ खुद चावल नहीं देती थी, हमको रोटी देती थी खाने के लिए, तो रोटी भी है और चावल भी है, थोड़ा सा चावल आज मिला है। और ये सब्जी जो है मेरा बेसन का सब्जी है, गांव घर में ये सब बनता रहता है बेसन का पकौड़ा वकौड़ा दे के, तो ये बेसन का सब्जी है और अपना ये चावल दाल है। दोस्तों अभी शाम हो चुके हैं और हम और पापा जा रहे हैं थोड़ा मंदिर घूमने के लिए। ऐसे तो अभी घर में रह के कुछ मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा, घर में बस आराम ही करते रहते हैं, दिन भर बैठे ही रहते हैं और कुछ दिखाने को भी अभी नहीं हो रहा, इसलिए अभी मंदिर जा रहे हैं। और अभी दोस्तों शाम भी हो गया और आरती का भी टाइम होने ही वाला होगा, तो बाइक को अभी यहाँ रखे हैं
इस कपड़े से ढक दिए थे, अब इसको हटाते हैं। सबसे पहले थोड़ा बालू हुआ इधर से अंदर लेके जा रही थी, इसलिए बाइक को इधर खड़ा करना पड़ा था आज। दोस्तों अब निकल चुके हैं मंदिर के लिए। मंदिर हमारे घर से बहुत नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये जो हम लोग जहाँ पे रहते हैं इसको बोलते हैं राजबाड़ी, और राजबाड़ी में एक काली मंदिर है जो यहीं पे है, और इधर ही रोहित का घर है, यहाँ पे रोहित का घर है। और ये देखिए बस हम लोग तुरंत पहुँच गए मंदिर के पास। ये रहा हमारे मतलब गाँव का काली मंदिर, और यहीं पर पूजा होता है। देखिए पंडाल वगैरह बनना स्टार्ट हो गया है, कल से मतलब स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ पूजा वूजा। अभी तो आरती होगा, इसलिए देखिए मंदिर को अभी सजा भी दिया है। बाइक को दोस्तों यहाँ खड़ा कर दिए मंदिर के बाहर। ये रहा मंदिर, अब चलते हैं अंदर। दोस्तों यही हम लोग का रक्षा काली मंदिर है, बहुत नामी है, हम लोग बहुत काली माँ को मानते हैं यहाँ का। नवरात्रि कल से चालू होने वाला है, तो सजावट वगैरह सब हो ही रहा है, काम चालू भी है। तो आइए और देखते हैं क्या क्या सजा है। कल से तो यहाँ पर जिसको हम लोग महाराष्ट्र उधर लंगर बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं प्रसाद, कि प्रसाद बांटता है। तो 9 दिन अभी खिचड़ी वगैरह चलेगा यहाँ पर, और कीर्तन वगैरह सब चीज़ होता रहेगा यहाँ पर डेली। ये दोस्तों ये मतलब जो मेन मंदिर है उसके बगल में ये छोटा सा मंदिर है। तो इसमें क्या कि रोहित लोग जो बोल रहा था चंदा कर रहे, वो इस मंदिर के लिए कर रहा था। तो मतलब यहाँ पे रोहित लोग करता है, तो उस बड़े वाले मंदिर में दादाजी पूजा करवाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब इस मंदिर को भी देख लेते हैं अच्छे से। दोस्तों यहाँ तो दो दो काली मंदिर देख लिए, और सब बगल में बीच में देखिए शनि जी महाराज के मंदिर है। तो गांव में मंदिर का कमी नहीं रहता है। एक शिव मंदिर है जो हमारे घर के पीछे में है, वो पुराना था राजा महाराज का, वो टूट गया है, उसको बनाया जा रहा है अच्छी तरह से। तो अभी मौसम में गड़बड़ हो रहा है, घर भी चलते हैं। दोस्तों अभी घर आ चुके हैं, और फुआ बना रही है दाल। पापा बताए कि गाड़ी में जैसे बनाते थे वैसे ही करके बना रहे ना। राजेश बताया किस तरह से दाल बनाता है गाड़ी में, वही देख बताया तो वही बना रहे हैं। दाल बना दिए हैं, अभी प्याज और मिर्चा भूज रहे हैं, उसके बाद फिर डालेंगे दाल को, उसी तरह बना रहे हैं। ये देखिए दोस्तों प्याज अभी भूज रही है फुआ, और दाल रेडी है ना, उसको दिखा दीजिए। पापा ही मतलब पूरा बताए कि जैसे पापा बनाते गाड़ी में वैसे ही पापा बताते गए, फुआ बनाते गए। हम भी रोज वीडियो देखते हैं कैसे कैसे राजेश बनाता है, तो वही बताया है उसी तरह से बना रहे हैं, और जरा सीखियो रहे हैं थोड़ा। हम उतना खाना उना पर ध्यान नहीं देते हैं, बनाते हैं गांव का जैसा खाना रहता वो बनाते हैं, इसी का खाना देख के हम भी थोड़ा सीखे। बड़ी बहन है लेकिन हमसे ज़्यादा वो जानता है, तो उसी से हम सीख लिए थोड़ा सा। तो आप बना बना के खिलाइए हम लोग को। हाँ बस आया है कि बना बना खिलाएंगे। और दोस्तों दादी देखिए यहाँ पे सोई हुई है, और अपना जमाना का देख रही है फिल्म। ये तो अभी टाइम का मूवी अब देख रहे हैं। अब महाभारत ही सब देखते है कि नहीं? महाभारत रामायण सब देख लिए, सब देखते सब देखते भागवत। अभी तो दोस्तों यही देख रही है दादी, पता नहीं कौन सा फिल्म है कि क्या है। तो आज दोस्तों एक हम सोचे कि हमको तो बस दो ही चीज बनाने के लिए आता है, एक पोहा और चौमिन, बस यही मैगी, यही सब दो तीन चीज बनाने आता है। तो आज हम सोच रहे कि दादी को और फुआ को पोहा बना के खिलाते। गाड़ी में हम बनाते थे, आप लोग भी देखे है। दादी आप पहले पोहा खाए कि नहीं? पोहा नहीं खाइए दोस्तों, दादी आज बना के खिलाएंगे, खाइएगा ना। तो ठीक है दोस्तों आज दादी को पोहा बना के खिलाते हैं। अब फुआ भी खाना बना रही है, फुआ जब बना लेगी उसके बाद फिर हम बनाएंगे। दोस्तों अभी फुआ तो खाना बना ली, अब हम जा रहे हैं बनाने के लिए पोहा। ये देखिए धोकर रख लिए हैं चूड़ा को, और इधर सब कुछ काट के रेडी रखे हैं, बस यही डलता है इसमें। तो अभी ये गर्म हो रहा है तेल, उसके बाद फिर डालेंगे प्याज और मिर्चा इसमें। अब दोस्तों डालते हैं प्याज और मिर्चा। दोस्तों प्याज और मिर्चा तो मेरा भुंजा गया अच्छे से। तो दोस्तों आप इसमें चूड़ा डालने जा रहे हैं। कढ़ाई दोस्तों हमारा थोड़ा छोटा है, देखते हैं सारा आ जाएगा कि नहीं। थोड़ा दोस्तों इसमें अभी चीनी डाल रहे हैं, और आप थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं इसमें। अब जाएगा बस एक चम्मच हल्दी, बस अब इस सबको अच्छे से मिला देंगे।
दोस्तों बन गया पोहा, लेकिन एक चीज बस गलती हुआ, बादाम नहीं था घर में, वही थोड़ा कम पड़ा, दादी को बोलने भी भूल गए खिलाने के लिए। मुझे टेस्ट कीजिए, बताइए कैसा है। भूला गया, बादाम और रहता तो ठीक लगता, और खाइए देखिए। अब पापा को भी दे दिए इधर, पापा खा रहे हैं। बढ़िया लगता है, ठीक लग रहा है ना। हाँ। जब हम लोग जाते हैं ना महाराष्ट्र, तो बस यही खाते हैं सुबह सुबह नाश्ता, बहुत अच्छा लगता है। स्वाद लगता है। तो दोस्तों दादी को तो बहुत अच्छा लगा, आप बताइए, आप तो खाए पहले भी। हम तो हमेशा खाते रहते हैं मोहा पोहा, चाहे महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ हो, कहीं भी मिल जाता है उधर, और कई बार तो गाड़ी में भी बना है, तो हमको तो सेम ही लगता है टेस्ट। थोड़ा सा बादाम इसमें नहीं आया, क्योंकि बादाम डाला ही नहीं है। बढ़िया लगा, बढ़िया बन रहा, थोड़ा बादाम कम दिए बस। दोस्तों अपना खाना वाना तो हो गया, अब रात का 10 बज चुका है, और कल क्या क्या ना, कल से रामनवमी स्टार्ट है, तो आप लोगों को बहुत बहुत रामनवमी का हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों हम भी कल मतलब मंदिर में ही जाता दिखाई देंगे, क्योंकि मंदिर में जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, बहुत दिन बाद है तो जाना ही पड़ता है शाम में, तो मंदिर में ही जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।